तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब फोटोन्स का गिरना और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बट जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी तो लोगों को ये पता नहीं था फोटोन्स नाम की कोई चीज़ होती है। बस उस टाइम लोगों को पता था कि लाइट गेरो, और जो लाइट होती है वो तो वेव नेचर की होती है, तो लाइट की वेव्स गेरो, वेव फ्रंट गेरो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वो भी पता नहीं था। तो ये पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया था इस बात को, तो हर्ट्स ऑब्जर्वेशन, हर्ट्स ने हर्ट्स एक्सपेरिमेंट भी किया था अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने लैब के अंदर जनरेट की थी। तो जब वो ये काम कर रहा था तो साथ में उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था जो बताने जा रहा हूँ। क्या? फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई हेनरिच हर्ट्स। तो हर्ट्स पहला साइंटिस्ट था जिसने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग डिस्कवरी ऑफ ई एम वेव, तो जब वो लैब में ई एम वेव कर रहा था तो उसने उसने तरीका बताया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने यूवी लाइट बनाई, अल्ट्रा वायलेट लाइट इज एन ई एम वेव, तो उसने अल्ट्रा वायलेट लाइट बनाई, और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस कॉज द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उसने कहा कि जब ये अल्ट्रा वायलेट रेस किसी मेटल फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरते हैं तो उसमें से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आते हैं। उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब ये ईएम वेव बना था। तो उसने लोगों को ये कहा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज ईएम वेव्स मेटल की सरफेस पे गिरते हैं तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आए, पर वो पता नहीं क्या है, उसको नहीं पता था। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि नाउ दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, उसको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स है, पर हाँ उसने कहा कि कुछ बाहर आता है, बात खत्म। तो ये पहली बार उसने ऑब्जर्व कर लिया था। और क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर उसने ही ऑब्जर्व कर लिया था तो फिर आइंस्टाइन का इतना नाम क्यों है? क्योंकि आइंस्टाइन को तो नोबेल प्राइज भी मिला है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, तो फिर पहला ऑब्जर्वेशन तो हर्ट्स का था। तो हर्ट्स को बस इतना पता था कि ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, हॉलवॉच और लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन थी। आगे और रिसर्च बढ़ी 1902 तक, तो 86 से 1902 बड़ा बहुत साल इन्होंने काम किया। तो दे इन्वेस्टिगेटेड फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल्स, मतलब जो हम 2-4 मिनट में सीखने वाले हैं उन्होंने कई साल लगा दिए, 1886 से लेके 1902 तक, मतलब इतनी सी बात में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसकी बात को सीरियसली लिया कि नहीं, अगर कुछ निकल रहा है तो देखें सही क्या चीज़ है। तो इन्होंने लैब में क्या किया, हर्ट्स के कहने पर अल्ट्रा वायलेट लाइट ली, अल्ट्रा वायलेट लाइट को जिंक प्लेट के ऊपर उन्होंने इंसिडेंट करवाया। रिसर्च तो बहुत क्योंकि कई साल हैं, जिंक, कॉपर, गोल्ड, पता नहीं क्या कुछ लिया होगा, पर चलो यानी कि जिंक काम कर गया, जिंक एक फोटो सेंसिटिव प्लेट थी। तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर गिरी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो यानी कि हर्ट्स की बात जो थी वो बिल्कुल सही थी, तो हर्ट्स की ऑब्जर्वेशन सही बैठ रही हैं। तो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सच में ऐसा होता है। और 1897 में पैरेलली और एक साइंटिस्ट काम कर रहा था जिसका नाम क्या था, जे जे थॉम्सन। तो इसने क्या किया, डिस्कवर्ड द इजेक्टेड पार्टिकल्स वर इलेक्ट्रॉन। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो पता लग गया दुनिया को इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये जो साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है अल्ट्रा वायलेट रेज गिरते हैं तो हर्ट्स को पता नहीं था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इनका नाम था फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बात बन रही थी। तो जब ये काम कर रहे थे इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड इज इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड, मतलब कि अगर मान लो वो इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये की कि अगर आप एक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखते हो तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, नहीं तो होते नहीं है। ये तो आपने केमिस्ट्री में किया भी हुआ है। तो इन्होंने यहां तक ये बात निकाल ली थी। इसके बाद इनको ये पता नहीं था अभी तक कि लाइट तो गिर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी गिर रहे हैं, पर हर्ट्स के कहने पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट तो वेव नेचर है, तो इनके हिसाब से तो हम वेव गिर रहे हैं और इलेक्ट्रो जो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो इनके हिसाब से वेव्स गिर रही हैं, ठीक है। फोटोन्स अभी तक आई नहीं थे पिक्चर में। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की गई। फिर उन दोनों साइंटिस्ट में से एक और साइंटिस्ट लेनार्ड ने अपनी टीम नई बनाई और आर ए मिलिकन के साथ इन्होंने काम किया, एक्सटेंसिव स्टडी की और ज़बरदस्त स्टडी की और ग्राफ्स भी प्लॉट किए। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली
जिसके अंदर एक फोटोसेंसिटिव प्लेट ली और लाइट को इसके ऊपर गिरा, और लाइट को गिर मतलब उनको तो उनके हिसाब से वेव्स गिर रहे हैं, उनके हिसाब से फोटोन थोड़ा थे, फोटोन तो अब तक आए ही नहीं थे पिक्चर में, उनके हिसाब से लाइट गिर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। नीचे उन्होंने बैटरी लगा रखी है, प्रॉपर बैटरी ऐसे लगाई हुई है कि यहाँ पर ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कर दी उन्होंने। रीजन, क्योंकि हवा में इलेक्ट्रॉन्स को कैच करेगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो हवा में उड़ते, क्योंकि प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकले तो हवा में निकल रहे ट्यूब में, तो ये कैच करेगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और यहाँ से घुमा के वापस इस प्लेट को दे देगी। नीचे पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, बैटरी अप्लाई कर रखी है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कैच करेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर फोटोन्स गिरेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ माइक्रो एम्पियर, मतलब यहाँ पर जो इन्होंने एमीटर लगाया, इसके अंदर करंट बढ़ गया। करंट बढ़ने का मतलब यही था, कहीं ना कहीं इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गए हैं वहाँ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस में से निकले हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हुआ है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस की और इन्होंने इस करंट का नाम दिया, जो फोटोन्स के गिरने की वजह से है, करंट का नाम क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ले रहे हैं यहाँ तक? अब जब ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे तो इतनी बात तो पहले के साइंटिस्ट भी बता चुके थे कि ऐसा एमिशन होगा। इन्होंने और डिटेल में डिस्कस किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट करके दिए जो आपके पेपर में आते भी हैं, तो हिस्ट्री में से भी कुछ आता है। तो इन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक जब अफेक्ट हुआ तो उसमें ग्राफ प्लॉट करो, जो इन्होंने बनाया किसके किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ प्लॉट करके दो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनके हिसाब से, लाइट के इंटेंसिटी का मतलब था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होना। और ये बोलते हैं कि जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, जिस वजह से एनर्जी बढ़ गई, जिस वजह से इंटेंसिटी बढ़ गई। पर इनको तो कुछ पता नहीं था कि अंदर फोटोन्स हैं, तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। इनको रीजंस पता नहीं थे, पर रीजन मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ, जो आइंस्टाइन ने हमें बताया था। तो रीजन ये था कि लाइट वेव की तरह ट्रीट की ही नहीं जा रही, लाइट ट्रीट की जा रही है कि वो पैकेट की बनी हुई है, एनर्जी के पैकेट, जिसका नाम क्या था? फोटोन्स। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आइंस्टाइन ने ये भी बताया था बहुत लेट 1906 में, ये सब स्टडी करने के बाद जो ये रीजनिंग नहीं दे पाए कि जो लाइट है वो फोटोन्स की तरह ट्रीट की जाए, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो जितने फोटोन्स गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो ये भी आइंस्टाइन ने बताया कि इंटेंसिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जो आप ये साइंटिस्ट सोचते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर इंटेंसिटी का मतलब है कि आप इसको, पहली बात तो वेव ना लें, लाइट को वेव ना लें, ये थर्ड पिक्चर है। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि इसको फोटोन्स लें, पार्टिकल नेचर लें, और जो फोटोन्स हैं अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि वेवलेंथ बड़ी है या फ्रीक्वेंसी बड़ी है ना, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। तो अगर फोटोन 10 की जगह एक 1 लाख कर देता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब ये है। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिरना मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होना। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो ये तो बाद में पता लगा, इनको नहीं पता था, ये तो कहते इंटेंसिटी बढ़ गई तो करंट बढ़ गया, लेकिन असली रीजन आइंस्टाइन ने बताया था बाद में, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट कर रहे हैं तो करंट बढ़ गया, तो इसलिए ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट। मजे की बात है, ग्राफ ये सही बना रहे हैं साइंटिस्ट, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पाए पर ग्राफ ही सही बना गए कि जैसे ग्राफ में करना भी क्या था, मशीन लगाई एमीटर, एमीटर में चेक ही तो करना था, तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाई करंट प्रोपोर्शनल में बढ़ गया। तो क्लियर है यहां तक? तो जब मैं शीट दूंगा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये पॉइंट क्लियर है।
तो इन्होंने ये ग्राफ बनाया और इन्होंने ये कहा कि जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटोन्स के प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बात खत्म, क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस हिस्ट्री में जाऊँ 1900 की हिस्ट्री में, तब तक एक्सप्लेनेशन लोगों को पता नहीं थी। ग्राफ तो सही बन रहे थे पर एक्सप्लेनेशन पता नहीं थी। तो मैं आपको ना आइंस्टाइन की थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन आपको सही समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले या ये ग्राफ को समझने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो इस चैप्टर के। जब भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रूल नंबर वन, जब हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए। पहला पॉइंट क्लियर है, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए, कोई डाउट इसमें? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर एक फोटोन आता है और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसकी एनर्जी कितनी है एक फोटोन की? एच न्यू। मैंने कहा एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो ये फॉर्मूला पूरी वेव, क्योंकि वेव नेचर तो लेना नहीं है, वो तो साइंटिस्ट कम्युनिटी कुछ सोची जा रही है कि वेव नेचर है, लेकिन एक्चुअल में तो ये पार्टिकल नेचर है और इस एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू होती है। और अगर 1,00,000 फोटोन आ रहे हैं तो हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो ये नहीं है कि पूरी पूरी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी या एनर्जी एच न्यू है ना, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। तो जब ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो इसके पास जो एनर्जी है उसमें से कुछ चली गई एज अ फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि एटम में से बाहर निकलेगा मेटल में से बाहर निकालने के लिए, और बाकी जो एनर्जी है उसमें इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/2 mv². तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये आइंस्टाइन ने हमें बताया था एंड में कि एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, मैं बार बार एक फोटोन कह रहा हूँ, पूरी पूरी रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, तो एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो एनर्जी कंजर्वेशन उसने लगाई कि ये जो एनर्जी है फोटोन की वो कुछ पार्ट वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में लग जाती है, प्लस कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन जिससे मूव करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो कुछ पार्ट फोटोन की एनर्जी का वर्क फंक्शन और कुछ पार्ट 1/2 mv², राइट? और इसको ये आइंस्टाइन ने हमें बताई थी, वो एंड में बताऊंगा इसका रीजन। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो फोटो सेंसिटिव प्लेट से निकल गया और उसने काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर ली? 1/2 mv², तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर कर गया 1/2 mv² फोटोन से लेके भागना इसने शुरू कर दिया और आप इसे रोकना चाहते हैं, आप हवा में इसे रोकना चाहते हैं कि रुक जा, तो आप एक काम करें, इसके सामने एक नेगेटिव प्लेट लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और सामने प्लेट के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा और इसको रोक सकता है। तो आपने अगर यहाँ नेगेटिव प्लेट लगाई, तो मान लेते हैं आपने यहाँ पोटेंशियल लगाया वी नॉट, तो वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल लगाया ताकि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बाहर निकला उसको रोका जा सके, राइट? इस पोटेंशियल का नाम है रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, कुछ भी बोल सकते हैं। रोकने का पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल, रोकने का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप वी नॉट पोटेंशियल लगाएंगे इसके सामने और आपको इतना सफिशियंट देना पड़ेगा वी नॉट, ताकि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी मैंने इसको दी ताकि ये रुक जाए। तो यानी कि 1/2 mv² की जगह अगर काइनेटिक एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन की इतनी है और मैं इसे रोकना चाहता हूं, तो मेरे को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? ई टाइम्स वी नॉट। तो याद रखना, किसी किसी इक्वेशन में 1/2 mv² की जगह क्या लिखा जाएगा? ई टाइम्स वी नॉट। तो इसलिए ये इक्वेशन ऐसी भी लिखी जाती है, इसकी जगह एच न्यू नॉट भी लिखा जाता है, वेयर न्यू नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुना होगा केमिस्ट्री में आपने,
वर्क फंक्शन को एच इंटू न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स वी नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स में या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, बात एक ही है। तो यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक इक्वेशन? यस सर। ठीक है, अब असली चीज सुनो। ये इक्वेशन एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, पॉइंट नंबर वन। अगर आप किसी फोटोन की एनर्जी मुझे बताते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, मैं दोबारा नए पेज पे लिखता हूं। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 1/2 × m × v max का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सपोज करो अगर फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन कितने है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या एमिशन होगा, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? आपकी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो आपको लग रहा है कि 8 फोटोन 8 की एनर्जी लेके आया और इलेक्ट्रॉन कह रहा है मेरे को तोड़ एटम से बाहर निकालने के लिए 10 चाहिए, मूव तो बड़ी दूर करने की बात है, तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक किसकी बात हो रही है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब ये जो कमजोर फोटोन है, कमजोर फोटोन करूंगा थोड़ा क्योंकि वीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, ये कहते हैं अच्छा ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ तो बाहर नहीं निकलेगा, एक काम करता हूं मैं और बंदे लेके आता हूं, मैं 1,00,000 फोटोन लेके आता हूं अपने जैसे, बोलो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? निकलेगा क्यों, बंदे थोड़ा ना कुटने यार पकड़ के कि 8-8 कमजोर से 1,00,000 है, ऐसा थोड़ा ना होता है, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तुम चाहे 1,00,000 फोटोन साथ में ले आओ सारे कमजोर ही निकलेंगे, क्योंकि मारना तो उनको एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन को ही है, इकट्ठे हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन को मार नहीं सकते, तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता ही नहीं। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी या आपकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, फिर चाहे एक फोटोन ले आओ तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और अगर आपकी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक जो जो वर्क फंक्शन है उससे कम है, फिर जितने मर्जी फोटोन ले आओ एक जैसे, एमिशन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी, मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मान लो ये 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आया, अब तो एमिशन होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 में से 10 तो वर्क फंक्शन गया, 8 से वो मूव करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब चाहे एक फोटोन ले आओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये रूल समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ज्यादा फोटोन्स हैं तो अब शायद एमिशन होगा, ज्यादा फोटोन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही चलेगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में एक पॉइंट इसको समझें कि सपोज करो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है और आपने पीछे से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मान लो आपने पीछे से इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो अगर आपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, देखो ये तो किसी भी मेटल के लिए कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही तेज भागेगा। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। उसी तरीके से अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से अगर सफिशियंट एनर्जी है फोटोन्स के पास, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा। तो अगर आप 100 की जगह 1,000 फोटोन्स गिरेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है तो 1,000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। तो यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ सकता है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि आपकी फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से तो बड़ी ही होनी चाहिए, तो आपकी जो एनर्जी है फोटोन की वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होना चाहिए। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, फिर कुछ प्लॉटिंग की। ये कैसे प्लॉटिंग करते हैं? ये कहते हैं कि ठीक है, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और वर्सेस क्या, पोटेंशियल का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वर्सेस पोटेंशियल का, ठीक है यहां तक। तो वो कहते हैं कि तीन किस्म की रेडिएशन लेते हैं, एक की इंटेंसिटी ज्यादा, दूसरे की कम, तीसरे की कम। इंटेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन I3 के ज्यादा, I2 के कम, I1 के कम। तो एक बात तो पक्की है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तो I3 का करंट सबसे ज्यादा निकलेगा, I2 का कम निकलेगा, I1 का कम निकलेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो तीन रेडिएशंस हमने ली, I1, I2, I3, इसमें फ्रीक्वेंसी सभी रेडिएशंस की क्या मान ली, कांस्टेंट। तो सभी फोटोन सेम एनर्जी के हैं, तो अगर सेम एनर्जी के हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट। तो अगर ये पार्ट सभी का सेम है और ये वाला पार्ट भी मेटल का सेम है, तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका, तो ये समझ रहे हो, रिटार्डिंग पोटेंशियल को नेगेटिव में लिखा गया, बिकॉज नेगेटिव प्लेट लगा के रोका जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम है, वो इसलिए सेम है क्योंकि फ्रिक्वेंसी सबकी सेम है, पर इंटेंसिटी सबकी सेम नहीं है। तो करंट ज्यादा, कम और कम, और करंट फ्लैट क्यों जाता है, कोई लिमिट है ना करंट निकालने की। ये थोड़ी नहीं है कि तुम इनफाइनाइट करंट निकाले जाओगे मेटल कितने से मेटल में से। तो यहाँ जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो जितने निकलने से निकल गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में करंट क्या हो जाएगा, अपनी सेचुरेशन वैल्यू को ले लेगा और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट करंट हो गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ग्राफ कैसे बना। तो ये ऑब्जर्वेशन थी इनकी, अगर हम फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करते, फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो ऐसे केस में फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को कॉन्स्टेंट रखना। तो फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी तीनों रेडिएशंस की, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा पर करंट चेंज होगा। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशंस थी, जो कि इन्होंने ये लिखा कि वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल ये रही एट विच इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है यहां पर, जीरो, इज कॉल्ड स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। मैंने आंसर दे दिया, मैंने इसका आंसर भी दे दिया, हाफ एमवी स्क्वायर क्या होता है, ई टाइम्स वी नॉट। और मैंने इसका आंसर भी दे दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से, नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। तो फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी का भी लेना देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी लेना देना है, पर इंटेंसिटी से दोनों का लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से सीधा करंट का लेना देना है। ठीक है यहां तक? तो ठीक लिखा इसने। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इनके ऑब्जर्वेशंस थी। तो ऑब्जर्वेशन तो सही बना रहे हैं हम, मैंने अपना पार्ट इक्वेशन से समझाया, पर इनको ये इक्वेशन पता नहीं थी। ये तो सिर्फ थ्योरी में अपने आइडिया दे रहे हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, कि ये ऐसी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही हैं और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो इन्होंने रिजल्ट तो बहुत सही निकाले हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं दे पा रहे, राइट। तो इन्होंने फिर एक और रिजल्ट बनाया, ये कहते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, किसका, अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस ग्राफ के अंदर फिर से तीन रेडिएशन हैं, सच दैट एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक की कम और एक की कम, और इंटेंसिटी की वैल्यू सबके लिए क्या रखी मैंने, कांस्टेंट। तो इसलिए तीनों रेडिएशंस का करंट तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है। तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका रिटार्डिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है रिटार्डिंग पोटेंशियल कम है, और जिसकी और कम है रिटार्डिंग पोटेंशियल कम है। तो ये ग्राफ का वेरिएशन याद रखना है, क्लियर है यहां तक। तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट करके दिया किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का, लेकिन इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इस ग्राफ में इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है यहां तक। अब एक और ग्राफ इन्होंने बना के दिया, इन्होंने ग्राफ बनाया कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का
और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे दो किस्म के मेटल हैं और दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट होगी, तो मान लो एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, न्यू नॉट से कम है, तो ग्राफ स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। उसी तरीके से इसमें तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डैश से ज़्यादा है तो ग्राफ बनेगा मेटल का, नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ्स इन्होंने बिल्कुल सही बनाए पर ये मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। पता तो लग रहा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, और सही भी हो रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो लाइव किया गया था, पर एक्सप्लेनेशन नहीं पता। इसीलिए इनका नाम तो है ही है, आइंस्टाइन का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि आइंस्टाइन ने हर चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करके दिया, और एक नई चीज़ प्रूव करके दी। मैं आपको बताता हूँ क्या, यहाँ तक क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो इन सभी साइंटिस्ट ने मिलके ऑब्जर्वेशंस दी कि भाई देखो, हमने जितना काम किया एक्सपेरिमेंट लैब में किया, उससे हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज की जा सकती है अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाए, पर इंटेंसिटी से कुछ नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड से कम है, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड यानी कि वर्क फंक्शन से कम है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। तो ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही बना गए ये। तो इन्होंने कहा कि हमारा काम यहाँ पर ख़त्म है, और फिर हम लॉज बना जाते हैं। और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिस्कस करते हैं।